गोलीबार चौक के पास जगन्नाथ बुधवारी में पुलिस और अन्य व औषध प्रशासन ने नकली पिस्ता कारखाने पर छापामार कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने व्यापारी के कब्जे से पिस्ता के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल युक्त हरे रंग का मूंगफली दाना और अन्य माल जब्त किया है। आरोपी दिलीप पाणिकर गोलीबार चौक और मनोज आत्मराम नंदनवार लालगंज राउत चौक निवासी बताए जा रहे हैं। गोलीबार चौक के पास जगन्नाथ बुधवारी में सोमवार को पुलिस और अन्य औषधि प्रशासन ने नकली पिस्ता कारखाने पर छापेमार कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने व्यापारी के कब्जे से पिस्ते के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल युक्त हरे रंग का मूंगफली दाना और अन्य माल भी जब्त किया है। आरोपी व्यापारी दिलीप पाणिकर गोलीबार चौक और मनोज आताराम नंदनवार लालगंज राउत चौक निवासी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि दिलीप के घर की ऊपरी मंजिल पर नकली पिस्ता बनाने का कारखाना है। सोमवार की दोपहर ही जोन 3 के उपायुक्त गजानन राजमाने की टीम गश्त पर थी और इसी दौरान एम्प्रेस मॉल के सामने दुपहिया वाहन MH49BA7363 पर मनोज को 3 बोरे नकली पिस्ता ले जाते हुए पुलिस ने पकड़ा था। पूछताछ में उसने नकली पिस्ता दिलीप से खरीदने की जानकारी दी। इसके बाद अन्य व औषधि विभाग के सह आयुक्त अनापुर के मार्गदर्शन में ए उपलब्ध विनोद धवड़ और रविराज धावड़े ने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दिलीप ट्रेडर्स में छापा मारा। पेट्रोलिंग करीत असताना तिथे गणेशपेठच्या हद्दीत एक इस्माला ताब्यात घेतलं। या इस्माकडे 3 पिस्ताचे भेसळयुक्त भेसळ केलेले पिस्ताचे बोरे दिसून आले। त्यावरून त्याला त्याचे नाव वगैरे विचारले असता त्याने त्याचं नाव पवणीकर असं सांगितले। पवणीकरला ताब्यात घेऊन विचारले असता त्याने तो माल गोळीबार चौकी पोस्ट तहसील येथून आणल्याचे त्याने सांगितले। त्यावरून मग आम्ही त्या ठिकाणी रेड कारवाई केली। जवळपास 12 लाखाचा एकूण मुद्देमाल आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे दोन्ही आरोपीकडून। त्याच्यामध्ये 2 आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। एकाचं नाव आहे मनोज आत्माराम नंदनवार, लालगंज शांतीनगरचा आहे। आणि त्यानंतर दुसरा एक आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे, त्याचं नाव दिलीप गोविंदराव पवणीकर। असे 2 आरोपी आहेत। ते दोन्ही आरोपींचा त्या दोन्ही आरोपींनी सांगितलं की नागपूरमधले बरेच सोनपापडीचे कारखाने असेल किंवा इतर जे काही त्या संबंधित व्यापारी आहे त्यांना तो माल पुरवठा करतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। पुढील चौकशी सुरू आहे। अन्न सुरक्षा अधिकारी घटनास्थळी आलेले आहेत, ते पाहणी करून त्यांच्या तपासणीदरम्यान ते पुढील कारवाई करत आहेत। मुद्देमाल दोन्ही आरोपींचे एका आरोपीकडून त्याची गाडी 120 किलोचे बनावट भेसळयुक्त केलेला पिस्ता आणि मोबाईल जप्त केलेले आहे। आणि दुसऱ्या आरोपीच्या घरी चॉपिंग करणारा जो यंत्र आहे, 2 यंत्र आहेत, 1 लाख रुपयाच्या किमतीचा, तसेच जे पिस्ता आहे ते त्यांनी बनावट भेसळयुक्त करून ते ठेवलेले पिस्ता आहे वाळवलेला, ते जवळपास 9-10 लाखाचा आहे। आणि बाकी त्याच्याकडून मोबाईल, असे दोन्ही आरोपीकडून 12 लाखाचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। अशा अधिकारी पुढील तपास ते तपासणी करत आहेत। त्या तपासणीच्या अंती जे रिपोर्ट देतील त्यावरून पुढे गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। सदरची कारवाई ही माननीय DCP झोन 3 गजानन राजमाने सर तसेच ACP लकडगंज सचिन थोरबिळे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली असून CIU पथक यांनी पूर्ण कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांबरोबर केलेली आहे। आपको बता दें कि पिस्ता महंगा होने से मूंगफली के दानों पर प्रक्रिया कर उसे हरा रंग देकर पिस्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। कई सोनपापड़ी कारखाने में भी नकली पिस्ता सप्लाई किया जा रहा था। इस दौरान कुछ सोनपापड़ी कारखानों के नाम भी सामने आए हैं जिन पर निश्चित रूप से ही कार्यवाही करने का आश्वासन पुलिस विभाग की ओर से दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।